आई एम वर्किंग एज आई टी सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि डे टू डे में एक सॉफ़्टवेयर आया है मार्केट में चैट जी पी टी वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है उसके मीन्स इतने ज़्यादा यूज़र्स हो चुके हैं वो एक ट्रेंड ए आई सॉफ्टवेयर है मीन्स जो ईजीली एट द टाइम ऑफ मीन्स अभी जितने भी इंजीनियर्स है आई टी के उसमें से फिफ्टी परसेंट को अभी के टाइम पर रिप्लेस कर सकता है और अपन उसको मीन्स जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको तो एक तरह से मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ और वो जितना ज़्यादा ट्रेन होगा और उतनी ज़्यादा जॉब्स लेगा वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं मार्केट में जैसे ए का एक आया है वीडियो का तो वो वहाँ वो वाली जॉब्स भी ले रहा है तो एक तरह से और कई कंट्रीज है जिन्होंने इसको बैन भी कर चुके हैं बट इसको बैन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन बिकॉज दैट इज़ द फ्यूचर या ये तो आना ही है इट इज़ इनविटेबल तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ह्यूमन इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस है या नहीं है क्या ह्यूमन में कुछ ऐसा है जो यूनिक है जो ए नहीं कर सकता है एनी जो ए नहीं कर सकता है फ्यूचर में आज तो बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन कर सकता है और ए नहीं कर सकता है बट जिस स्पीड से ए आई इवॉल्व हो रहा है जिस स्पीड से वो ग्रो हो रहा है तो आने वाले दस साल में बीस साल में ऐसा क्या रह जाएगा जो ए नहीं कर सकता है अभी मेरी इतनी सोच नहीं है कि मैं वो बता सकूं कि क्या हो सकता है मेरे हिसाब से तो ए ह्यूमन बिहेवियर के बरा, बराबर पहुंच जाएगा इन्होंने जो भी कुछ बोला उसके काउंटर में या उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट में किसी को कुछ कहना है सर मैं आई बिजनेस एनालिट हूँ मैं पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर था फिर मैंने चेंज करके बिजनेस एनलिस्ट में आया हूँ मेरे को लगता है ह्यूमन जैसे सेल्स कर सकते हैं सेल्स के लिए आप सामने वाले को समझना पड़ता है कि उसको चाहिए क्या अपन सारे फीचर्स नहीं रख सकते साथ में अपन को समझना पड़ता है कि इसको कैमरा की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही अपन को वो ह्यूमन को बेस बताना पड़ता है क्या एक सेल्समैन ज्यादा अच्छे से समझ सकता है कि आपका बिहेवियर क्या है या या आपकी ब्रेन में एग्जैक्टली exactly क्या चल रहा है ज्यादा अच्छे से समझ सकता है और समझ रहा है यानी कि सोशल मीडिया सोशल मीडिया क्या कर रहा है अगर आपको कुछ बेच नहीं रहा है तो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर ऑल ए आई ड्रिवन उस पर जो एडवर्टाइजिंग चलती है दैट इज ऑल ड्रिवन यानी कि उनको पता होता है कि अभी एग्जैक्टली exactly आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाया जाता है उसी से रिलेटेड एड दिखाई जाती है उसी मूवेंट पे जिस मूवेंट पे वो एड दिखानी चाहिए ना उससे पहले, ना उससे उससे पहले बाद में और और उसकी वजह से होती होती है और सेल जब होती है जब तब ये सोशल मीडिया कमाती है। अगर सेल जनरेट नहीं होती तो कोई भी सोशल मीडिया पे पैसा नहीं लगाता वो एक्स अमाउंट लगाते हैं और उस एक्स का टू एक्स होता है फाइव एक्स होता है टेन एक्स होता है तब वो दोबारा से पैसा लगाते हैं जब वो दोबारा से पैसा लगाते हैं एडवर्टाइजर्स सोशल मीडिया कंपनी सर्वाइव करती है वरना सब बंद हो जाएंगे तो इसका मतलब आज की डेट में जिस लेवल पे बेच रहा है चीजों को जिस लेवल पे वो आपके बारे में जानता है अभी आपने क्या कहा सेल्स जनरेट करने से पहले मुझे सामने वाले को समझना होगा तो जितना ये लोग आपको समझते हैं आप खुद को भी नहीं समझते हो आपके मां बाप भी नहीं समझते आपको लगता है कि हम खुद को समझते हैं कुछ नहीं समझते हो इन लोगों के पास में जो डेटा है जो इंफॉर्मेशन है वो क्या आपके खुद के पास में है आपके पड़ोसी के पास में है आपके माँ बाप के पास में है नहीं यानी इनको पता है रात को दो बजे आप क्या देख रहे हो <laughs> आपके माँ बाप को नहीं पता है वो बाहर से नॉक करते हैं तो आ, पढ़ाई कर रहा हूं <laughs> तो बेचारे चाहेंगे भी तो आपको नहीं बेच सकते वो जो वो बेचना चाहते हैं आपके माँ बाप यानी कि बेटा पढ़ लो क्योंकि आप तो वो करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो आप तो कुछ और करने में इंटरेस्टेड हो सर इन दिनों जो एआई है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जैसे डॉक्यूमेंट्री थी तो सोशल ड्रामा सर उसमें देखा गया था कि लोग किस तरह से मेंटल हेल्थ पेशेंट्स बन रहे हैं की वजह से तो सर ऐसे में जो थेरेपिस्ट काम आते हैं तो सर मुझे नहीं लगता है कभी भी एआई या रोबोस कभी भी थेरेपी के लेवल पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे जो थेरेपी है वो कैसे काम करती है कि पहले आपको समझना होता है कि जो पेशेंट है या किसी को डिप्रेशन है एन्जाइटी है या जो भी है जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे की जड़ क्या है दैट कुड भी बायोलॉजिकल दैट कुड भी साइकोलॉजिकल अगर बायोलॉजिकल है तो बायोलॉजिकली एआई आपकी बॉडी को डायग्नोस कर सकती है कि बॉडी में कहां पर क्या प्रॉब्लम्स है किन केमिकल्स को रिलीज होना चाहिए क्या वो उतनी क्वांटिटी में रिलीज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो बायोलॉजिकल डायग्नोसिस इज पॉसिबल थ्रू एआई इन अ मच बेटर वे जिस तरह से अभी सिम्टम्स के बेस पे कोई साइकेट्रिस्ट है वो डायग्नोस करते हैं मेक सेंस मान लो कोई ऐसी मशीन है जिसके अंदर आपको डाला जाए और बायोलॉजिकली आपको बता दिया जाए कि क्या क्या डेफिशिएंसीज आपके अंदर है और वही केमिकल्स आपको दिए जाए तो आप कितनी जल्दी ठीक हो सकते हो तो बायोलॉजिकल लेवल पे जो डायग्नोसिस है वो एआई ज्यादा अच्छे से कर पाएगी एट द लेवल ऑफ योर एन एट द लेवल ऑफ योर यार्मोन एट द लेवल ऑफ जो भी केमिकल्स है बॉडी के अंदर उस लेवल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कहां गड़बड़ हो रही है कहां नहीं हो रही है और एग्जैक्टली exactly उसको फिक्स करने के लिए मेडिसिन दी जाएगी तो वो डायग्नोसिस बड़े अच्छे से कर लेंगे दैट इज वन नंबर टू साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक थेरेपिस्ट क्या करेगा या करेगी वो एक एक करके समझेंगे कि देखते हैं इसका रूट कहां है हो सकता है आपके बचपन में हो हो सकता है कोई ट्रॉमा हो हो सकता है कोई ऐसा थॉट हो जिसकी वजह से कुछ ट्रिगर हो जाता है एक मशीन जिसमें कि इंफिनेट अमाउंट ऑफ डेटा है आपके बारे में बचपन से लेकर अभी तक जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर के अभी तक नॉट जस्ट बायोलॉजिकल डेटा बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल डेटा कि कब आपको अच्छा फील होता है कब बुरा होता है पास्ट में आपने कब कब क्या क्या, क्या किया बचपन से लेकर के अभी तक मान लो आपकी एज है बीस साल तो पिछले बीस साल में आपने सुबह से लेकर के रात तक क्या, क्या क्या किया कब उठे कब सोए कब क्या देखा कब आपको अच्छा फील हुआ कब बुरा फील हुआ आप भूल चुके हो आपको याद ही नहीं है आप तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हो एक को जितना आपको याद है मैं आपसे पूछता हूं आज से पंद्रह साल पहले आप बताओ कि इस दिन आप क्या कर रहे थे सुबह से लेकर के रात तक याद है क्या

डिसीजन क्या होता है आप कैसे लेते हो डिसीजन आपके पास में दो चॉइसेस आती है तीन चॉइसेस आती है उसमें से एक डिसीजन लेते हो कैसे लेते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जो करना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं हम उसके बाद क्या डिसीजन ले पाते हो आप कह रहे हो यही डिसीजन नहीं ले सकता अरे भाई जितनी स्पीड से ए डिसीजन ले सकता है इंसान तो लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता वो तो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता है ना सेल्फ डिसीजन क्या होता है आप ले सकते हो सेल्फ डिसीजन मतलब बिना थॉट के क्या आप डिसीजन ले सकते हो बिना मेमोरी के क्या डिसीजन ले सकते हो नो सर नो सर तो क्या वो जो मेमोरी है आपकी ब्रेन में फीडेड है क्या वो आपकी है या कहीं से पढ़ी है आपने बुक्स से यहां से वहां से कहीं से एक्यूबलेट करी है वो मेमोरी अंदर है उस मेमोरी के बेस पे उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप डिसीजन लेते हो कि या तो ये करना है या नहीं करना है ये सही है ये गलत है इसी को डिसीजन बोलते हैं तो जो डिसीजन है वो ए ज्यादा अच्छे से ले सकता है क्योंकि उसके पास में जो क्वांटम ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा है है उसको आउटकम तक पता है कि ये डिसीजन लेने के बाद में अगले चार स्टेप बाद क्या आउटकम आने वाला है उससे पहले क्या था वो भी एआई को पता है यानी ये जो डिसीजन लेने का टाइम आया है वो ए ज्यादा अच्छे से ले सकता है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गूगल मैप्स गूगल को पता है कि कहां ट्रैफिक जैम है कहां नहीं है आपको नहीं पता है आप एक डिसीजन ले रहे हो और हमारे सारे डिसीजन ऐसे ही होते हैं हवा में होते हैं एक डिसीजन ले लेते हैं बेस्ड अपॉन पास्ट इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग द प्रेजेंट रियालिटी द ग्राउंड रियालिटी एंड वी थिंक दैट आर डिसीजन इज राइट एंड वी स्टिक टू इट नो मैटर वॉट पता लगने के बाद भी कि वो डिसीजन गलत है फिर भी स्टिक रहते हैं बहुत बार तो हम लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं लाइफ में कितने सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका आप डिसीजन ले ही नहीं पाते हो कितनी बार मेरे से पूछते हो आकर के एक ही क्वेश्चन को बार बार कि सर हम ये करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं इसका क्या मतलब हुआ एक तरफ से चाहते हो एक तरफ से नहीं करते हो ए के साथ में ऐसा नहीं है ए को अगर एक गोल दे दिया जाए ए आई विल फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल वे इट विल टेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन चाहे बीच में एक डिसीजन हो चाहे एक लाख डिसीजन हो आई विल फाइंड आउट द पाथ इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम

आपके माइंड में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होंगी बट एआई के लिए तो कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं सर मुझे लगता लगता है है कि जो जो आप आप अभी कर कर रहे हो वो वो नहीं कर सकता सोचने की क्षमता उसमें वो कमी करेगा बट ऐसा क्यों लगता आपको क्योंकि पहले ये क्वेश्चन करो वॉट इज थिंकिंग थिंकिंग में और ए जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही मटीरियल प्रोसेस है कुछ लोग हैं जो थिंकिंग को मिस्टिकल समझते हैं मिस्टिकल दिखाते हैं कि थिंकिंग मतलब कॉन्शियसनेस ऐसा तो कुछ भी नहीं है थिंकिंग क्या होती है वर्ड गिवन टू अ थिंग दैट इज थिंकिंग इट इज नथिंग बट अ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड इन आ ब्रेन जैसे कंप्यूटर के अंदर फीडेड होती है हम लोगों को यह गलत फहमी है कि जिस तरह से हम सोचते हैं उसमें कुछ खास है और ए में वो कैपेबिलिटीज नहीं है ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है यह बहुत बड़ी गलतफहमी है जो भी आप सोचते हो जिस भी तरीके से आप सोचते हो उसको आप सबको कंबाइन कर दो 700 करोड़ लोगों को इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको कंबाइन कर दो उसको आप बोल सकते हो कलेक्टिव थॉट उससे भी बिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा पावर है एआई की आप समझ गए मैंने क्या बोला है आ, सर जैसे अभी आप कह रहे हो कि हम भी एक छोटा ए आई है हमारा माइंड भी छोटा ए आई है जो इन्फॉर्मेशन के बेस पे सोचता है थॉट काम करता है बेस्ड अपॉन मेमरी विच इज ऑलरेडी फीडेड इन योर ब्रेन अगर वो मेमोरी आपकी ब्रेन में नहीं है तो थॉट ऑपरेट नहीं कर सकता है ऐसे ही ए आई काम करता है बस फर्क यह है कि आपकी ब्रेन में और मेरी ब्रेन में लिमिटेड मेमोरी है बट ए की जो ब्रेन है उसको आप सुपर कंप्यूटर बोल सकते हो उसमें इंफिनिट मेमोरी है उसमें हम सबके बिहेवियर एक्शन फीलिंग्स इमोशन सब कुछ है तो उसका एल्गोरिथम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो पूरी तरीके से आपकी ब्रेन को कैप्चर कर सकता है सुबह से रात तक आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे उसको डिफाइन कर सकता है आपको एडिक्ट बना सकता है आपसे जो चाहे वो करवा सकता है आपकी पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है मान लो इस कमरे को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं ये लेफ्ट हो गया मेरे ये राइट हो गया तो लेफ्ट वालों को लेफ्ट से रिलेटेड वीडियोस दिखेंगी राइट वालों को राइट से रिलेटेड वीडियोस दिखेंगी आपका वर्ल्ड व्यू हो जाएगा कि पूरी दुनिया ऐसी ही है इसके बाहर तो कहीं कोई है ही नहीं जबकि दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बट आपके लिए ये दुनिया है जो इस दुनिया में नहीं है आप कहोगे अच्छा ऐसी भी कोई दुनिया है क्योंकि तो वो इंफॉर्मेशन तो आपकी ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रही है तो आपके वर्ल्ड व्यू को पूरी तरीके से कंफाइंड कर दिया जाएगा जो भी आप मानते हो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बार बार आपको दिखा करके ए की जो कैपेबिलिटीज है इन टर्म्स ऑफ कमिंग अप विद एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन इज इंफिनेट टाइम्स बेटर देन ह्यूम ए तो आई का जो थॉट है थिंकिंग है थिंकिंग एबिलिटीज है दैट इज मच मोर एडवांस्ड एंड मच मोर पावरफुल देन एनी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग कर सकता है जो भी आप थॉट के लेवल पे कर सकते हो थॉट इज बेसिकली अ रिएक्शन टू एन इनपुट अंदर एक इनपुट दिया जाता है चाहे कंप्यूटर के चाहे आपकी ब्रेन में जिसके बेस पे कुछ होता है उसको थॉट बोलते हैं और उस थॉट की वजह से फीलिंग्स और इमोशंस ट्रिगर होते हैं What happens if there is no input? In the case of AI and in the case of humans. ध्यान से सुनो मैंने जो बोला है बोलो मत सुनो ऑब्जर्व करो अपनी ब्रेन में अभी के अभी बैठ करके करो वी आई लाइक रोबोट्स कि एकदम से कोई कुछ बोलता है हम बोलने लग जाते हैं बोलो मत सुनो मैंने क्या बोला समझा उसकी डेप्थ को समझा आने वाले हजार साल में भी ए ये नहीं कर सकती है वेन देर इज नो इनपुट देर इज नो रिएक्शन इन द केस ऑफ ए आई इन द केस ऑफ ह्यूम ऑल्सो इन नाइन पॉइंट ऑफ द ह्यूम कुछ सुनते हैं एकदम से अंदर रिएक्शन होता है उसके बेस पर एक्ट करते हैं या तो कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं जहां लगता है बोलने से फायदा होगा बोल देते हैं लगता है बोलने से नुकसान होगा नहीं बोलते हैं सब कुछ प्रोग्राम है एक एल्गोरिथ हम है जो सबका सेम तरीके से काम कर रहा है लेकिन हमें लगता है कि अलग अलग तरीके से काम कर रहा है Fundamentally, we all are same, not similar. Whether you are living here or in the US or UK or any part of the world, fundamentally we all are same. एक perception होता है, कुछ दिखता है, कुछ सुनाई देता है. उसके base पे हम अपने अंदर कुछ बोलते हैं, जिसको thought बोलते हैं. उस thought के base पे कोई feeling और emotion trigger होता है, कोई sensation trigger होती है. उस sensation से related या तो craving होती है, या aversion होता है. उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन होता है ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये सेम तरीके से काम करता है सारे ह्यूमंस में हमारे पांच सेंसेस हैं उसके थ्रू परसेप्शन होती है जब कुछ टच करते हैं तो एक सेंसेशन होती है तो मान लो टच नहीं है आंखों से कुछ दिखता है अंदर ब्रेन में इमेज बनती है मान लो आंखें बंद है कानों से कुछ सुनाई देता है जैसी आवाज आती है तो इमीडिएटली अंदर हम कुछ बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं उस आवाज को ऐसा होता ही नहीं होता है बहुत जल्दी होता है तो हम देख नहीं पाते हैं तो ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये तो ए भी कर सकता है बस फर्क क्या है कि मैं कुछ देख करके बोल रहा हूं अभी सबको ए स्टोर कर लेगा मान लो मेरी ये सारी बातें यूट्यूब पे गई वो स्टोर हो गई अब आपने ये क्वेश्चन पूछा अब फ्यूचर में हजार साल बाद भी किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं नहीं हूं मेरी जगह कोई और है यहां पर बैठा हुआ है जो आपको लग रहा है कि बैठा हुआ है लेकिन मैं नहीं हूं क्योंकि हजार साल बाद मैं कैसे होऊंगा बट वो आपको जवाब दे रहा है किसी और को आप भी नहीं हो वहां पे कोई और है और आपको क्या लग रहा है मैं जवाब दे रहा हूं एग्जैक्ट वही जवाब है जो अभी मैं दे रहा हूं बट फर्क क्या है मैं देख रहा हूं और बोल रहा हूं आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम मेमरी आया फर्क समझ में नहीं आया बॉस आप इस फर्क को कर ही नहीं सकते अगर मेरे साथ में यहां पे कोई और बैठा हो और वो इसी तरीके से बोल रहा हूं जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं आपको क्या घंटा समझ आने वाला है कौन इंसान मेमोरी से बोल रहा है कौन एक्चुअल में देख करके बोल रहा है अरे बोलने का क्या है बोल तो कोई भी सकता है बोलना मतलब क्या कहीं बुक से कुछ पढ़ा कहीं से कुछ सुना उसको अंदर इंफॉर्मेशन को फीड किया फिर कुछ भी बोल दिया तो अब ध्यान से सुनो कि क्या ऐसा है जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एआई में और ह्यूमन में ह्यूमंस एग्जिस्ट माइनस रिएक्शन बिना थॉट के भी एक ह्यूमन देख सकता है सुन सकता है एक ऐसी रियलिटी तक पहुंच सकता है दैट इज बियॉन्ड बाहर से कोई इनपुट नहीं आ रहा है उन दरवाजों को हमने बंद कर दिया ये जो पांच सेंसेस के दरवाजे हैं एक तरीके से उसको हमने बंद कर दिया और अंदर भी जो एक फिल्म चलती रहती है चैटरिंग चलती रहती है थिंकिंग चलती रहती है वो भी बंद हो गई तो उसके बाद क्या कुछ बचा रह जाता है यानी कि ना अंदर से इंफॉर्मेशन ट्रिगर हो रही है ना बाहर से कोई सेंसेशन आ रही है तब क्या होता है उसको सिर्फ एक इंसान देख सकता है यह डिफरेंस है ह्यूमन इंटेलिजेंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमेशा के लिए रहेगा ए आई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट दी इनपुट और फिर उस इनपुट का आउटपुट जो रिएक्शन होता है उसको थॉट बोलते हैं तो ए आई इनपुट और आउटपुट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती बट एक इंसान आउटपुट यानी कि थॉट उसके बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है और इनपुट यानी कि उसके बिना भी exist करता है। सर जिस स्टेज की आपने बात की मतलब जो थाटलेस स्टेट है हमारी जिस स्टेट पे हम मतलब ए और जो ह्यूमन का है उसमें जो डिफरेंस है तो उसका हम किस तरीके से सही वे में फायदा उठा सकते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है हम सबका कि हम हमेशा फायदा और नुकसान के बारे में सोचते हैं अगर आप फायदे और नुकसान की बात करो तो उसका कोई फायदा नहीं है फायदा इज रिलेटेड टू थॉट तो जब थॉट ही नहीं है तो फायदा और नुकसान की बात कहां से आई आपके लिए फायदे का मतलब कुछ और हो सकता है? मेरे लिए कुछ और हो सकता है आपका फायदा हो सकता है मेरा नुकसान हो सकता है वी आर ऑल ड्रिवन बाय डिजायर्स एंड फियर्स विच आर इंप्लांटेड इन आर माइंड By someone else. हमें लगता है वो मेरा डिजायर है अरे आपका नहीं है वो डर भी आपके अंदर प्लांट किया गया है, बचपन में क्या डिजायर था क्या डर था ये जो डिजायर्स और फियर्स है ये हमारे बिहेवियर को डिफाइन करता है और हम खुद उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये मेरे लिए फायदा है या नुकसान है आई थिंक हियर आई कैन जस्ट द एंटायर कॉन्वर्सेशन के आप नदी में बह रहे हो बाकी सबकी तरह और छोटे से एक बुलबुले हो तो बाकी सब बुलबुले क्या बोल रहे हैं मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं तो जो छोटे से बड़ा हो गया उसने क्या कहा मेरा फायदा हो गया जो बड़े से छोटा हुआ उसने क्या बोला मेरा नुकसान हो गया यही फायदा नुकसान है जिसके पास में जितनी ज्यादा पावर है जितनी ज्यादा वेल्थ है जितना ज्यादा नाम है फेम है ये है वो है दुनिया में वाह है जो जितना बड़ा बुलबुला है वो कह रहा है देखो मैं बड़ा हूं इन कंपेरिजन टू वॉट इन कंपेरिजन टू छोटे बुलबुले तो अब चाहे बड़े बुलबुले हो चाहे छोटे बुलबुले हो द मोमेंट यू रियलाइज मैं पानी हूं तो आपको सिर्फ यह नहीं समझ आया कि मैं पानी हूं आपको यह समझ आ गया सब पानी है बड़े से बड़ा बुलबुला और छोटे से छोटा तो उस बुलबुले को क्या मिला और उसका क्या चला गया लगाओ दिमाग तो अगर वो पहले बड़ा था तो दुनिया की नजर में अभी भी बड़ा ही है पहले छोटा था तो अभी भी छोटा ही है दुनिया की नजर में क्योंकि तो दुनिया को वही दिखता है जो बाहर है अंदर जो है वो तो दिखता ही नहीं ना तो ना उसका कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ उसने इस सत्य को देख लिया कि मैं पानी हूं और सिर्फ मैं नहीं सब पानी है नदी भी कहीं नहीं है बुलबुले भी, भी कहीं नहीं है लहरे भी कहीं नहीं है सिर्फ दिखती है है कहीं भी नहीं छुओ तो पानी है सबका एसेंस पानी है और वो पानी मुझसे अलग नहीं है मैं ही हूं सिर्फ पानी ही है, है और कहीं कुछ है ही नहीं तो क्या मिला और क्या गया लगाओ दिमाग ए कभी भी ये नहीं जान सकती क्यों ए काम कैसे करती है इमेजिन करो आप एक नदी में बुलबुले हो कितने से हो इतने से छोटे से ए क्या है एक बहुत बड़ा बुलबुला है।, है वो भी इसी नदी में बट बहुत बड़ा बुलबुला है क्यों क्योंकि सबको मिला करके बना है जितनी भी इंफॉर्मेशन एक ब्रेन में हो सकती है उससे करोड़ों गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन एक मशीन के अंदर है तो मशीन एक बहुत बड़ा बुलबुला हो गया अब वो जो बड़ा बुलबुला है वो एक्ट करता रहेगा अपने आप बेस्ड अपॉन जो भी अंदर इंफॉर्मेशन फीडेड है यानी अब वो और बड़ा होता रहेगा मशीन विल गेट बिगर और बिगर और बिगर एंड एंड और जितनी मशीन बड़ी होती चली जाएगी ह्यूमन की एग्जिस्टेंस उतनी ही छोटी होती चली जाएगी वो सब काम जो एक छोटा सा बुलबुला कर सकता है उससे लाख गुना ज्यादा काम वो बड़ा बुलबुला कर सकता है क्योंकि वो कलेक्टिव है ये फ्रेगमेंटेड है ये इंडिविजुअल है कलेक्टिव इज मोर पावरफुल देन एन इंडिविजुअल गोइंग टू गेट बिगर एंड बिगर एंड एंड बिगर बिगर और इंफॉर्मेशन जाएगी और सारे छोटे छोटे बुलबुलों की जितनी जाएगी एआई और बड़ा होता चला जाएगा और वो बुलबुले और छोटे होते चले जाएंगे क्योंकि उनका कंट्रोल अपनी लाइफ पे से हटता चला जाएगा अब उनको कौन कंट्रोल करेगा ये बड़ा बुलबुला जिसको एआई बोलते हैं जिसको मशीन बोलते हैं ये फ्यूचर है ये होने वाले, आने वाले पचास साल बाद सौ साल बाद आप कब उठोगे कब सोओगे क्या खाओगे क्या पियोगे सब कुछ ए कंट्रोल करेगा और आपकी लाइफ की पूरी तरह से धजिया उड़ा देगा उसके बाद में जब आपको ठीक होना होगा तो वो जो हेल्थ केयर होगा वो भी ए सपोर्ट करेगा यानी बीमार भी वो करेगा ठीक भी वो करेगा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी फ्यूचर में एआई की वजह से और सॉल्यूशंस भी एआई ही होगा तो यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन दैट तो एक चीज है जो एआई नहीं कर सकता है एआई क्या कर सकता है आपके ऊपर रूल कर सकता है आपको कंट्रोल कर सकता है आपके बिहेवियर को चेंज कर सकता है आपको अपने ऊपर डिपेंड कर सकता है कर ही दिया है काफी हद तक तो अभी और करेगा आने वाले टाइम में देर इज एब्सोल्यूटली नथिंग दैट यू कैन डू टू ओवर पावर दिस कलेक्टिव इंटेलिजेंस इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो कलेक्टिव इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो ऑफ मशीन ऑफ कलेक्टिव मशीन नॉट जस्ट इंटेलिजेंस

बट ए ह्यूमन कैन कम अपॉन समथिंग दैट इज अनटचड बाय थॉट एन ऑल द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय थॉट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस जगह पर क्या होता है करने को कहने को कुछ भी नहीं रह जाता है